आने ने सताया तो नबे याद आए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत के कदमों का बोसा लेते हुए शेर हाजिर कर रहा हूँ, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। कि जब जमाने ने, जब जमाने ने, जब जमाने ने सताया तो नबे याद आए। जब जमाने ने सताया तो नबे याद आए। कि जब जमाने ने सताया जब जमाने ने सताया तो नबे याद आए। काम जब कोई न आया तो नबे याद आए। काम जब कोई न आया तो नबे याद आए। जब जमाने ने सताया तो नबे याद आए। और बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। दोनों हाथों को उठाकर बोलते सुभान अल्लाह। जब जमाने ने सताया तो नबे याद आए। और मुश्किलें आई तो आवाज लगाई उनको। 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 मुश्किलें आई तो उनको। मुश्किलों से निकल आया तो नबे याद आए। मुश्किलों से निकल आया तो नबे याद आए। और आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले हाजिर कर रहा हूँ। दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। और एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। जो हजार अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते होंगे वो बिल्कुल खामोश ना बैठेंगे। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। कि एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। कि एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। एक एक हर्फ ने आका की गवाही दी है। माने कुरान सुनाया तो नबे याद आए। माने कुरान सुनाया तो नबे याद आए। काम जब कोई न आया तो नबे याद आए। मदीना के ताल्लुक से बहुत कहा है। मदीना के ताल्लुक से बहुत कहा है। मदीना है क्या? मदीना की अजमत क्या है? और नाथ के अक्सर नाथ के शेर पढ़े जा रहे हैं। फर्क ये है कि शैदा साहब तरन्नुम में पढ़ के गए, मैं तहत में शेर पढ़ता हूँ। नाथ के ताल्लुक से कि नाथ होती क्या है, कि नाथ का मकसद क्या है, नाथ का मयार क्या है, नाथ की शान क्या है, नाथ की अजमत क्या है। तो शायर कहता है कि हम जो कबूतर मदीने में उड़ाने लग जाए, जितने भी ना जितने भी जहाज के शैदा हैं ठिकाने लग जाए। हम जो कबूतर मदीने में उड़ाने लग जाए, जितने भी जहाज के सरवरा हैं ठिकाने लग जाए। नाते मुस्तफा गुनगुना दे अगर जंगल में, शेर भी आकर के पांव दबाने लग जाए। नाते मुस्तफा गुनगुना दे अगर जंगल में, नाते मुस्तफा अगर गुनगुना दे जंगल में,
शेर भी आकर के पांव दबाने लग जाए। हजरत मोहतरम वक्त ना लेते हुए ज्यादा अल्लामा मौलाना जाहिद साहब की बारगाह में अरिजा पेश कर रहा हूँ कि हजरत हजरत के हजरत अपने खिताब से हम सामाइन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हजरत के आने से पहले एक शेर और हाजिर कर देता हूँ। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये महफिल नबी के चाहने वालों की है, नबी के मानने वालों की है और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के आशिक आशिक बैठे हुए हैं। नबी के आशिकों का हाल हुआ करता है कि जो दिल से हो गया है शैदा मेरे नबी का। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल से हो गया है शैदा मेरे नबी का, उसके लिए है जन्नत तोहफा मेरे नबी। जो दिल से हो गया है शैदा मेरे नबी का, उसके लिए है जन्नत तोहफा मेरे नबी का। और था कत्ल का इरादा एक पल में हुआ शैदा, जो ही उमर ने देखा चेहरा मेरे नबी का। जो ही उमर ने देखा चेहरा मेरे नबी का, और गुस्ताख गुस्ताख है जो उनका, जन्नत ना जा सकेगा क्योंकि बहिष्ट पर है कब्जा मेरे नबी का। नारे तकबीर। बुलंदाबाद से मुहक्किक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक सच्चाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और जमी वालों हमारे कद का अंदेशा नहीं तुमको, फलक पे जाके हम तो नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे ये चेहरे को गुलाब की तरह खिला देगी। और कभी ना छूटने देना दामने मुस्तफा हाथों से लोगों, ये वो दौलत है जो तुमको जन्नत दिला देगी। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भाई ने आपको नसीहत भरे जुमले में बताए, इंशाअल्लाह अहद कीजिए कि उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आइए फिर से एक और खिताब की जानिब आपको मैं लेके चलूं। आपकी सुस्त वादियों को तरोताजा करने के लिए, वो खिताब नायाब फरमाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहेब को, कि वो माइक पर तशरीफ लाए। उनसे आने से कबल मैं चंद शेर आपके पास पहुँचा देता आप सुनने के मूड में हैं। 12 बज गया है, 12 बजे के बाद इंसान मूड में नहीं रहता बल्कि उसका मूड ऑफ हो जाया करता है। यानी नींद का गलबा इतना ज्यादा होता है कि बस वो सोचता है कि कहीं आराम मिले और अपनी आंखों को मैं बंद कर लूं और सांसों को तेजी से लेना शुरू कर दूं। लेकिन नबी के चाहने वाले हैं, दीदों को अपनी खुल के बैठे हैं, उलमा इकराम के चेहरों की ज्यारत कर रहे हैं, नबी से प्यार करते हैं, तो नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। एक शायर ने शेर कहा है, वसे पाक के ताल्लुक से हाजिर कर देता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम वसे आजम। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। यकीनन उसूलों की बरसात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। स्टेज वालों से भी कह रहा हूँ, आप भी मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम। और जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, कब अता करोगे वो जाम गौसे आजम, मुझे कब अता करोगे वो जाम गौसे आजम। और मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कर लो आका, मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कर लो आका। तुम्हारे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आजम, तुम्हारे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आजम। दोनों हाथों को अब्बास का परचम बनाए और मेरे साथ जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जुल्म उस पर शदीद कर देंगे, उसको मिसले यजीद कर देंगे, और जो कहेगा हुजूर को मिट्टी उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे।